लगभग 70 सालों से चले आ रहे हैदराबाद के निजाम की करोड़ों की संपत्ति के मामले में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। अपनी भिखारी प्रवृत्ति और झूठ के आधार पर दुनिया को भ्रमित करने वाले पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान ने 300 करोड़ से अधिक की रकम को पाने के लिए बहुत से छल प्रपंच किए, मगर भारत के वकीलों के सामने उसके एक न चल पाई और उसे एक बार फिर से भारत के हाथों हार का स्वाद चखना पड़ा है। दरअसल हैदराबाद के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने 1948 में लंदन के एक बैंक में 8 करोड़ रुपए जमा कराए थे, जो बढ़कर 300 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। पाकिस्तान इस रकम को हथियाने के लिए चालबाजियों का सहारा ले रहा था। इसके लिए पाकिस्तान ने झूठ के सभी पैंतरे और ऐसे ऐसे दावे पेश किए जिनका न कोई आधार था और न सिर पैर। मजे की बात यह है कि उसके उन दावों पर कई बार पाकिस्तान की किरकिरी भी हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि हैदराबाद के आठवें निजाम प्रिंस मुकर्रम जे और उनके छोटे भाई मुकम जा ने लंदन के बैंक में जमा पैसे को लेकर पाक सरकार के विरुद्ध कानूनी लड़ाई में भारत सरकार का पूरा साथ दिया है। भारत विभाजन के दौरान 1948 में हैदराबाद के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने नेटवेस्ट बैंक में 1,07,940 पाउंड, जो 8,87,00,000 रुपए के करीब होते हैं, जमा कराए थे। यह राशि बढ़ते बढ़ते अब 3,50,00,000 पाउंड यानी 3,08,40,00,000 रुपए हो गई है। इस भारी रकम पर पाकिस्तान अपना हक जताता रहा था। 1948 में हैदराबाद के निजाम के वित्त मंत्री ने ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे हबीब इब्राहिम रहीम टोला के बैंक खाते में रकम को ट्रांसफर कर दिया था, जिसे लंदन के एक बैंक खाते में जमा कराया गया था। फिलहाल ये फंड लंदन के नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक में जमा है। ब्रिटेन की अदालत में पाकिस्तान ने दावा किया था कि यह रकम हैदराबाद के निजाम ने हथियारों की शिपमेंट के भुगतान के रूप में की थी। यह हथियार पाकिस्तान ने निजाम को दिए थे, लेकिन भारत की तरफ से दलील देने वाले वकील ने यहीं से पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने पूछा, क्या पाकिस्तान हथियारों की सप्लाई करता है, वह भी गैर कानूनी तरीके से। मजे की बात यह है कि बाद में पाकिस्तान ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया जिसमें उसने निजाम को हथियार भेजे हों। पर वकीलों ने पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ा। उनसे पूछा गया कि हैदराबाद के निजाम को हथियार भेजकर क्या उसे भारत के खिलाफ भड़काना पाकिस्तान की कोई बड़ी साजिश थी। निजाम के दोनों भाई भी भारत के पक्ष में थे। उन्होंने भी इसे झूठा दावा बताया और सीधे सीधे उनकी संपत्ति हड़पने और अमानत में खयानत करने की पाकिस्तान की चालबाजी करार दिया। बड़ी बात यह है कि 350 करोड़ रुपए की रकम को देखकर 1.5 फुट की लपलपाती पाक की जीभ ने इस मामले को बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके हर प्रयास को लंदन की कोर्ट से खारिज कर दिया गया। लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूके की हाई कोर्ट है, के जज मार्कस स्मिथ ने अपने फैसले में कहा कि हैदराबाद के सातवें निजाम उस्मान अली खान इस राशि के मालिक थे, उनके बाद उनके वंशज और भारत सरकार हकदार है। इस पर पाकिस्तान का दावा बिल्कुल भी उचित नहीं है। भारत की तरफ से इस केस की पैरवी कर रहे वकील पॉल हैविट ने कहा कि यह पैसा 1948 से विवादित था, जिसके लिए पाकिस्तान झूठे दावे करके हड़पने की मंशा पाले हुए था। खास बात यह है कि जिस वक्त यह मामला चला था, उस वक्त निजाम के वंशज मुकर्रम और मुक्कम बच्चे थे, जो 80 साल के हो गए हैं। यह फैसला उनके व उनके परिवार के लिए बड़ी राहत है, जबकि यह भारत की पाकिस्तान के झूठ पर एक और बड़ी जीत है। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान ने 350 करोड़ रुपए पाने के लिए 12 करोड़ से ज्यादा की रकम वकीलों की फीस व अन्य मदों में खर्च कर डाली। अब वह सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहा है, मगर उसे यह भी मालूम है कि उसका केस कमजोर है। ऐसे में खस्ताहाल पाकिस्तान को कुछ करोड़ों रुपए की चपत लगना और तय है। यानी पाकिस्तान की छेददार नैया में इसके रहनुमा खुद ही बाल्टियों से पानी भर भर कर डाल रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।